पीरपैंती प्रखंड के इशपुर बारहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के निवासी समाउद्दीन की बेटी काजल खातून ने जानकारी दी कि मैं आज से लगभग 4 माह पूर्व प्रेम प्रसंग के द्वारा अपने मोहल्ले के निवासी अब्दुल अंसारी से निकाह कर ली। जब मैं निकाह के बाद अपने पति के साथ ससुराल गई तो ससुराल वालों ने घर में घुसने से मना कर दिया। तब जाकर मैंने बाहरी किसी प्रकार गुजर करने लगी। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पंचायती करने के बाद घर में रखने पर सहमति किया, पर बार बार दहेज के लिए पति सही ससुराल वाले बोलते थे अपने मायके से पैसा मांग कर लाओ। जब इसकी विरोध करती कि नहीं दे पाएंगे मेरे माँ बाप, क्योंकि गरीब है, मजदूरी करके किसी प्रकार भरण पोषण करते रहे। इसके बावजूद भी बार बार मांगता रहता था और मेरे साथ मारपीट करता था। जब मैं इसकी सूचना अपने मायके को दिया तब जाकर मुझे बाहर से अपने घर लाया और बृहस्पतिवार को देर रात में मुझे पति ने चाकू से गला रेत कर मारने लगा। तभी मैं शोर मचाने लगी तो घर में सब जाग गए और मेरे पति को पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीणों को बुलवा कर बांध कर रखा। मेरे पति ने गलती स्वीकार करने के बाद वो फरार हो गया। पीड़िता सहित उसके माँ और पिता समाउद्दीन ने थाने में दहेज मांगने की आरोप पर आवेदन देकर न्याय की मांग को लेकर गुहार लगाई। घर आए हमको ना, मैंने बहाना कर करके यहाँ आए, तब यहाँ फिर आए तो बोला पैसे मांग के, तब फिर हम जाएंगे बाहर काम कर। हम बोले गरीब आदमी पैसा कहाँ देगा, यही चलते छुरी निकाल के आज जान मारने लगे। ये शादी करने से कितने दिन हुए आपको? 4 महीने। कहाँ पे मारा था? दिखाई तो यहीं पे मारा है। क्या नाम है लड़का का? आप इसकी शिकायत कहीं कर रहे हैं या फिर किए हुए हैं? प्रशासन आई थी। आश्वासन क्या मिला वहाँ से? मुझे बोला या छोड़वा लीजिए या जेल कर दीजिए। जेल करवाने का जेल कर दीजिए जाके। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमको कहना जेल कर दीजिए। जब मैंने पता लेने के लिए आया मेरा बहन भाई ऐसा हालत में, हम जाएंगे घर, अगर घर जाएगी तो माँ बाप के यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भट्टे में झोंक देंगे। कई लोग मिलाने के चक्कर में तो लड़का नहीं माना कि हम नहीं मिलेंगे, जिसके नाम बताया है सब्बू का और एक लड़का मेरा बड़ा लड़का अच्छी मांझला लड़का, उसको बताया, वो दोनों बाहर है, वो आएगा उसको खुलासाखी करो तब हम मानेंगे, समझ गए। तो उसके बाद में रात में रुका यहाँ, वो लोग चल गया। कितने बजे रात में? नहीं वही मगरिब पे नमाज पढ़ता था, 8 बजे तक चल गया था। उसके बाद रात में खाना वाना खा करके और हम लोग भी सोए हैं, मेरे बेटी भी सोया और लड़का भी सोया। सोने के बाद में ये रात को इसको जगाया, लड़का अब्दुल इसको रात को जगाया। जगाने के बाद में इसको बोला कि अपने अब्बा को बोलो कि 2 लाख रुपया हमको देगा, नहीं देगा तो तुमको जान मारेंगे। तो ये उस पर बोला कि हम कैसे बोलेंगे, मेरा अब्बा पास पैसा वैसा है नहीं, वो कहाँ देगा। वही बोला बस इसको छुरी लेकर के गले पर रखना शुरू किया, लगड़ने लगा, ये चिल्लाया जोर से। चिल्लाने के बाद में हम लोग उठे तो बोलेंगे सला का, तब इसको देखते हैं कि गला से खून गिर रहा है, गले से खून गिर रहा है। तब उसको पकड़े, पकड़ करके आदमी जुट गया यहाँ, पकड़ करके सबको सामने उसको बांध के रखे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ हम लोग फिर सुबह सबको बोले, जितना आदमी था रात में सबको बुलाएं, पंच लोग बुला करके। उसके बाद बोले ये क्या होगा, तो कुछ आदमी बोला कि चले जाओ थाना, ये देखिए खून वाला मर्डर है, थाना से रिपोर्ट लेना जरूरी है। इसके बाद थाना गए, थाना वाला बोला कि ऐसा कीजिए जब उसको घायल है पहले अस्पताल जाइए, अस्पताल से इसको इलाज करिए, इलाज करके आइए उसके बाद मेरे पास जाकर के आवेदन दीजिए। तब आवेदन दिया गया? हाँ, तब जाकर के वहाँ आवेदन दिया गया। तो थाना से वो लोग आया यहाँ, आने के बाद वो पूछ माछ किया, पूछने माँटने के बाद में लड़की को भी पूछा, लड़का को भी पूछा अब्दुल को, तो बोला कि क्या करोगे, थाना ले जाएं कि क्या करोगे। वो बोला कि थाना नहीं लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे नहीं थाना लेना ज़रूरी है। तो वो बोला कि ऐसा कीजिए गांव में पंचायत बैठा के थोड़ा सा कुछ हल कर लीजिए। तो पंचायत में बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और उसके बाद थाना वाला लड़का को पंच के जिम्मा दिया, पंच के जिम्मा देने के बाद में सही सलामत लड़का यहाँ से उठा और दिया। और दरोगा भी पूछ लिया छोटा बाबू, तो वो बोला कि हमको कोई नहीं मारा है,
उसके बाद उसको ले गया, पैंच जिमा दिया, पैंच लगा रखा, पैंच ने उसको घर वाले को लड़का को बाप को जिमा दिया, लड़का का बाप घर ले गया, तो वो लोग तुरंत गुरमिट किया कि तुम लड़का ऐसा बोलना अब्दुल कि हमको इतना मारा है कि हम नहीं उठना, तुम सो जाना तो फिर उठना नहीं, हिलना नहीं, वो लोग उसको सिखाया। तब मेरा बड़ा लड़का सुना, वो आकर के बोला हमको, बोला तो अच्छा ठीक है, वही हाल हुआ सुबह होकर के, वो लोग वही बोल रहा है कि बहुत मार मारा है, वो उठने बैठने नहीं सक रहा है, बहुत हालत ख़राब है। तो आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इसके कदम उठा रहे हैं कि इसको केस करेंगे और लड़की को ले जाएंगे वहाँ थाना।